Are you planning for a weekend trip or a weekly trip? Or you are planning something out of the box? Then this is the place. रेट्स कैसा लगा इधर का? बहुत कम है. ओके, कंपेयरली बहुत कम रेट है. ओके, यू आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी, देन ऑफ कोर्स यू आर मिसिंग समथिंग इन महाबलेश्वर. हू फ्रिक, इट्स सो चिल्ड. सो फाइनली वी रीच इन महाबलेश्वर एंड वी आर ऑल सेट टू गो रिवर व्यू. इट्स इन तपोला. It's a long way route, so probably we'll be taking taxi. So let's see what's in store for us. I'm super excited, but at the same time, I'm feeling freezy right now. So let's go. Book for one hotel, or probably no one is giving you a chance to book up to 25 people, then I think you should change your mind, because there is one such place where it will help you to book up to 25 people. This is the place. This is the Riverview Resort, where you can accommodate up to 25 people with two attached bathrooms and one beautiful scenic beauty opposite to the lake. अच्छा, तो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम आपके साइड से क्या क्या बनता है? पोहा बनता है, उपमा. अच्छा, पोहा. और दोपहर के लंच में क्या बनता है? वेज और नॉन वेज. हाँ, वेज में क्या आप बनाते हो? नॉन वेज में क्या क्या बनाते हो? नॉन वेज में मालूम नहीं बनाते हैं. ओके, वेज में दाल. हाँ हाँ, सर ऊपर अलग अलग सब्जी बनाते. हाँ, सब्जी के नाम जैसे कि आप अगर कुछ बता. मटकी उसल. हाँ हाँ, बरलेले वांगर. ओके, और नॉन वेज खाना में क्या क्या बनता है? मालूम नहीं. चिकन. चिकन सुखा और रस्सा वाला. रस्सा. ओके, और अगर कुछ ऐसा अलग से मतलब जरूरत पड़ी, जैसे कि चिकन का कुछ जरूरत पड़ा, तो क्या क्या बना सकते हो एक्स्ट्रा में? चिकन ड्राई पराठे, चिकन चिल्ली, चिकन 65. ओके ओके, और वेज में ऐसा क्या अलग अलग स्टार्टर्स? जैसे स्टार्टर जैसा पनीर का आइटम रहता है. पनीर का आइटम, पनीर चिल्ली. ओके, अच्छा, ठीक है. और आप लोग टोटल कितने लोग काम करते हो किचन में? छह लोग काम करते हैं. सो इफ यू कम विथ योर फैमिली, और इफ यू आर अ सोलो पर्सन, और इफ यू ज्वाइन विथ योर फ्रेंड्स, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस, बिकॉज इफ यू आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी, देन ऑफकोर्स यू आर मिसिंग समथिंग इन महाबलेश्वर. अपने बोटिंग का स्कूटी बोट है, काइकिंग है, स्विमिंग है, बोटिंग है, और कोई डूब गया तो मैं इधर ही रहता हूँ. स्विमिंग वगैरह सब रहता. यहाँ पे जब लोग आते हैं रिवरव्यू रिसॉर्ट में, अच्छा, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? यहाँ पे स्विमिंग वगैरह सबको पसंद आता है. कैंप फायर, अपना सर्विस भी सबसे बेस्ट है. यहाँ पे सब मैं ही देखता हूँ. यहाँ पे कब, कौन से महीने आना सबसे बेस्ट है? अभी दिवाली का और नाथल का सबसे ज्यादा बेस्ट सीजन रहता है. okay. और शनिवार को कस्टमर रहते हैं हर शनिवार.
सो हमारे साथ है इस वक्त रिवर व्यू में जिन्होंने स्टे किया है, तो इनसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। सो आप पहले ही बताइए कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा रिवर व्यू रिसॉर्ट के साथ। हम पहली बार आए यहाँ पे। ओके। हमारे दोस्त ने सजेस्ट किया था, वो भी आया है हमारे साथ यहाँ पे। तो पहले हम महाबलेश्वर में गए थे। ओके। हम पहले कभी यहाँ पे आए नहीं थे, हम रहते थे तो कभी महाबलेश्वर में ही रहते थे। पहली बार आए, बहुत बढ़िया जगह है ये। ओके। और ये होटल भी बहुत बढ़िया है, यहाँ का खाना फूड और सर्विस बहुत बढ़िया है। ये फैमिली वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? फैमिली वालों के लिए बना है। और जैसे कि आपने देखा कि वाटर एक्टिविटी भी था, गेम्स भी बहुत सारे हैं, तो उसमें आपके बच्चे काफी हद तक सहमत थे, मतलब कि हाँ भी एंजॉय। हाँ, बहुत जगह पे हम जाते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ नहीं रहता। राइट राइट करेक्ट। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीजें है, वाटर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बच्चे लोग कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। राइट राइट। और आपको रेट्स कैसा लगा इधर का? बहुत कम है। ओके। कंपेयरली बहुत कम रेट है। ओके। आप आए कहाँ से? पुणे से आए। पुणे से, ठीक है। और पुणे से कैसे आना रहता है, आप थोड़ा अगर ब्रीफली बता देंगे हमारे? पुणे से पुणे बैंगलोर हाईवे है, वहाँ से वाई फाटा क्रॉस करके फिर पाचगनी महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर से फिर नीचे उतरना है। ओके। तापड़ा। यू विल चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू मस्ट डेफिनेटली बुक अ टिकट। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर, फ्रॉम गेमिंग टू वाटर स्पोर्ट्स। आई एम हाईली रिकमेंड यू टू book tickets right away.